सबसे बड़ी ताकत कि कोई 300 रुपया रोज़ कमाने वाला मजदूर साथी, एक महिला साथी जो है वो 100 रुपया कि नहीं लोकसभा में भेजना है, तो मैं समझता हूँ कि उस 100 रुपये का मुकाबला किसी का 100 करोड़ भी नहीं कर सकता है। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूँ मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में, जहाँ पर जो इस नई संसद में नए नरेंद्र के सांसद चुन के आए हैं, तात्कालिक तौर पर उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। ऐसे ही दो नए सांसदों से हम मिलने आए हैं और उनसे बातचीत करने आए हैं। पहले हैं बिहार के काराकाट जिले से जीत कर आए राजा राम जी, दूसरे हैं आरा जिले से जीत कर आए सुदामा प्रसाद जी। ये दोनों सांसद भाकपा माले के जमीनी नेता हैं, लगातार ज़मीनों पर आंदोलन का हिस्सा रहे हैं और ये दोनों चुनाव जीत कर आए हैं। इन दोनों ने जिनको हराया है वो एक तरह से बड़े कद्दावर और बड़े मजबूत नेता बताए जा रहे थे, चाहे धन से चाहे शक्ति के मामले में वो इनसे बहुत मजबूत थे, लेकिन इन दोनों ने उसको दोनों को हराया है। काराकाट से चुनाव जीत कराने वाले राजा राम जी पिछले कई दशकों से बिहार के किसान आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा है। उन्होंने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को एक तरफ हराया, वहीं उनके दूसरी तरफ उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा जो कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं उनको हराया। इसी तरीके से आरा से जीत कर आने वाले सुदामा प्रसाद जी पिछले दो बार से भाकपा माले के लगातार जीत कर आने वाले MLA हैं। इससे पहले वो लगातार कमज़ोर तबके से खुद आते हैं और लगातार किसान आंदोलन मजदूर आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा है और रंगकर्मी भी हैं। उन्होंने मजबूत केंद्रीय मंत्रियों में से एक केंद्रीय मंत्री RK सिंह को कड़े मुकाबले में चुनाव में हराया और इनके बारे में चर्चा है इन दोनों सांसदों ने जनता से 20-20 रुपए कूपन, 50-50 रुपए कूपन लेके पूरा चुनाव लड़ा और जीता। हम इनसे बातचीत करेंगे जो इनकी पूरी चुनावी राजनीति कैसी रही और इनके लिए चुनाव अभियान कैसा था। आइए सुनिए पूरी बातचीत में ये लोग क्या कहते हैं। तो सुदामा प्रसाद जी, पहले तो आप, ये चुनाव हुआ, इस चुनाव में आप लोग लड़े और जीत के आए, लगातार आंदोलन का हिस्सा रहे, तो इस चुनाव परिणाम को पहले तो आप कैसे देखते हैं जो इस बार आया है पूरे देश में ही और ख़ासकर आपके चुनाव क्षेत्र? हमारे यहाँ ये कहा जाए कि 35 वर्षों के बाद हम लोग आरा लोकसभा को जीते। 1989 में कॉमरेड रामेश्वर प्रसाद पहली बार IPF के माने ये पर बैनर पर जीत कर आए थे और दुर्भाग्यवश वो संसद जो है 16 माह ही चली, तो फिर भी उन्होंने जो माने सवाल उठाए, ज्वलंत सवाल उठाए, जैसे अभी हम सीधा प्रसारण देख रहे हैं लोकसभा और विधानसभाओं का, राज्यसभाओं और विधान परिषदों का, ये डिमांड कॉमरेड रामेश्वर प्रसाद ने उठाया था, पेंशन का सवाल उठाया था। तो 35 वर्षों के बाद फिर भोजपुर का प्रतिनिधित्व करना निश्चित तौर पर ये अपने आप में काफ़ी जो है संघर्षपूर्ण रहा है अनुभव। और हम लोग जो अर्थव्यवस्था का सवाल है ज़िले का, हमारी अर्थव्यवस्था वहाँ खेती पर टिकी है और खेती जो है सोन नहरों पर आधारित है। भोजपुर ज़िले के दक्षिणी इलाकों में सोन नहरों से पटवन होता है और उत्तरी इलाकों में सरकारी नलकूप हैं, जो बाढ़ग्रस्त इलाका है शाहपुर का, बड़हरा का, बिहिया का। तो हमारी तो प्राथमिकता यही है कि हम खेती को मजबूत, समृद्ध, विकसित और लाभदायी बनाने के लिए किसानों के लिए हम लोग काम करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि सोन नहरों का आधुनिकीकरण हो। सोन नदी में मटिहानी के पास रोहतास ज़िले में कदवन जलाशय का निर्माण हो और ज़िले के उत्तरी इलाके में जो सरकारी नलकूप बंद पड़े हैं उनको चालू किया जाए। भोजपुर में किसी कृषि आधारित कल कारखानों की स्थापना हो और फिर जो वहाँ का व्यवसाय है, वहाँ का या पूरे देश का ही जो लघु उद्यमी हैं, जो लघु व्यवसायी हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, उनकी जो है रोजी रोटी की समस्या खेती पर से ही चलती है, तो खेती मजबूत होगी वो भी होगा। लेकिन ऊपर से जिस ढंग की नीतियाँ बनाई जा रही हैं, कहा जाए कि फुटपाथी दुकानदारों को हम लोग देख रहे हैं कि नोटबंदी के समय से ही फुटपाथी दुकानदार हों या छोटे मझोले व्यवसायी हों या यहाँ तक कि मध्यम दुकानदार भी हैं, उनकी जो दुकानदारी पटरी से उतर गई है। फिर बीच में GST लगा, लॉकडाउन आया, 3-3 बार लॉकडाउन लगा और अभी एक ऑनलाइन व्यापार के कारण हम तो कह रहे हैं कि पूरे बड़े व्यापारी भी इससे तबाह हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि
पूरे देश के खुदरा व्यवसाय को विकसित करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए सरकार लोकसभा में हम लोग लाएंगे ये प्रस्ताव कि व्यवसायिक आयोग का गठन किया जाए। राजाराम जी, ऐसे इसी तरह से इन्होंने बताया क्या क्या करेंगे, लेकिन आपका चुनाव क्षेत्र जो था बहुत ज़्यादा चर्चा में था, खासतौर पर जिस तरह से पवन सिंह गए और कई लोगों ने कहा जो उनको NDA ने ही खासकर भाजपा ने वहाँ भेजा है, और कई लोगों ने कहा जो उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के लड़ाई के बीच में माले को फ़ायदा मिला, और आपके लिए आपका चुनाव का अनुभव कैसा था, आप अपने चुनाव परिणाम कैसे देखते हैं? देखिए, विगत दिनों में जो लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ, उसकी आत्मा के साथ जिस तरह से बुनियादी छेड़छाड़ हुए, उसने देश की जनता को काराकाट क्षेत्र में भी हमने देखा कि अलर्ट कर दिया था। अब जिस प्रकार से मतलब 3 कृषि कानून पास किए गए जिस पर 13 महीने का किसान आंदोलन चला, उस किसान आंदोलन पर जो सरकार ने रवैया अख्तियार किया, 750 लोग शहीद हो गए, जिस प्रकार से सारे सांसदों को, विपक्षी सांसदों को निलंबित करके कानून की पूरी किताब बदल दी गई, तो ये सबसे लग रहा था कि BJP डेमोक्रेसी ख़त्म करना चाहती है। वो जो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का जो मिशन है, उस मिशन से देश को भटकाना चाहती है, वो संविधान की आत्मा को ख़त्म कर देना चाहती है, वो एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रही है। तो गांवों में इसके खिलाफ़ हमने एकदम व्यापक नफरत देखी। इस मुद्दे को हम लोग कायदे से ले गए और जनता ने इसको बहुत रिसीव किया। इसके साथ साथ मतलब किसानी का सवाल, उधर सोन नहरों में पानी का सवाल, देश में फसलों के लाभकारी दाम का सवाल, मजदूरों का सवाल, बुलडोज़र राज का सवाल, उनके घर तोड़े गए हैं, महंगाई का प्रश्न, ये सारे प्रश्न, और इसके साथ साथ एक बहुत वाइटल प्रश्न रहा रोजगार का सवाल। नौजवानों ने जैसे अपने मुट्ठी में चुनाव को ले लिया हो और वो पूरी तरह से गोलबंद थे, पवन सिंह ने देश के बड़े बड़े कलाकारों को उतारा, भोजपुरी कलाकारों को भी, लेकिन कोई उसमें नहीं गया। नौजवान इस बात पर सीरियस थे कि हमें रोज़गार लाने वाली सरकार चाहिए, और वो इंडिया गठबंधन ही दे सकता है। NDA तो केवल जुमला फेंक रहा है, चाहे 2 करोड़ रोज़गार का मामला हो, चाहे 15 लाख रुपए का मामला हो, या गैस सिलेंडर सस्ता करने का, हर मामला उनका जुमला साबित हो रहा है, या किसानों की आमदनी दुगनी करने का मामला हो। तो नौजवानों को एक मैंने रोज़गार की गारंटी देने वाली सरकार चाहिए थी। पवन सिंह पर क्षेत्र में सवाल भी उठे कि देश की आज़ादी पर जब हमले BJP ने प्रथम दौर में ही शुरू किए, तो सबसे पहले तो पुरस्कार लौटाने वाले देश के कलाकार, सिनेमा वाले, साहित्यकार ही थे, 300 पुरस्कार लौटाए, उस समय पवन सिंह जी कहाँ खड़ा थे, इसका जवाब उनके पास नहीं था। तो इसलिए शुरू से ही लोगों का भरोसा वहाँ पर इंडिया गठबंधन के साथ, मजदूरों गरीबों का तो था ही, किसानों ने भी ये समझा कि माले है तो भरोसा है इंडिया गठबंधन के भीतर, और इसलिए एक शुरू से ही मतलब कहिए कि भाकपा माले की इंडिया गठबंधन की काराकाट सीट पर एक हवा चल रही थी जो तेज़ होती चली गई। ये बिल्कुल गलत नोशन है कि दोनों की लड़ाई में बीच से माले निकल गया। सच बात यह है कि जो भी उस क्षेत्र का, जिन्होंने भी दौरा किया है, वो Day 1 से जो चर्चा थी कि यहाँ पर माले निकलेगा, इंडिया गठबंधन निकलेगा, ये चर्चा थी। इसीलिए हम लोग 6 विधानसभा क्षेत्र में लीड किए, फर्स्ट राउंड से लीड किए, पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती में लीड किए, कहीं भी हम लोग किसी भी क्षण पीछे नहीं रहे जी। जैसे प्रजाराम जी, आपके क्षेत्र में ही आपने बताया, क्योंकि आप किसान आंदोलन से भी जुड़े हैं, अखिल भारतीय किसान महासभा के जनरल सेक्रेटरी में, लेकिन जब देश में किसान आंदोलन की बात होती है तो हरियाणा पंजाब की ज़्यादा उत्तर भारत में चर्चा होती है क्योंकि बड़े किसान हैं, लेकिन बिहार के अंदर जिस तरह छोटे और भूमिहीन किसानों की संख्या है और जिसका आंदोलन माले लड़ती रही है, और आप लोगों की पहचान उसे, जो लोग बिहार को जानते हैं और भोजपुर वाले इलाके में जानते हैं किस तरीके से भूमिहीनों का आंदोलन लड़े गए, उस आंदोलन की राजनीति को आप कैसे देखते हैं, जो कि आप जिस तरह से आप पार्लियामेंट में पहुँचे हैं, उसके पीछे की कहानी क्या, वो आंदोलन से जुड़ी कहानी क्या है? मंदसौर की घटना के बाद एक किसान यात्रा निकली थी ऑल इंडिया की, और ये भोजपुर मध्य प्रदेश मंदसौर वाला, हाँ, ये भोजपुर में भी यात्रा गई थी, और सुदामा जी के नेतृत्व में पीरों में बहुत बड़ी जनसभा हुई थी,
उस यात्रा के दरमियान होने वाली सभाओं में शायद सबसे बड़ी। और वहाँ हम लोगों ने कहा था कि सामंतवाद विरोधी संघर्षों के दरमियान गरीबों के पक्ष में भाकपा माले खड़ी हुई, उनकी उसकी किसान सभा खड़ी हुई, और आज जब देश पर कृषि संकट है तो किसानों के साथ मजबूती से हम भी खड़े हैं और किसानों ने व्यापक साथ दिया था। तो इसलिए ये सही है कि हम मजदूरों गरीबों की पार्टी हैं, लेकिन जब देश में किसानों पर नौजवानों पर संकट आया तो सबसे मुखर ढंग से हमारी किसान महासभा भाकपा माले देश भर में लड़ी। जब 26 जनवरी को हमें दिल्ली में घेर लिया गया था किसान आंदोलन के दरमियान, तो ये बिहार है जहां महागठबंधन के साथ एकता बना करके 1000 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई गई थी। और एक बात आपको महत्वपूर्ण बताएं कि बिहार में किसान आंदोलन राष्ट्रीय किसान आंदोलन के समर्थन में बहुत मजबूत रहा है। और एक और स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बदलाव क्यों हुआ, लोग इस बात को नहीं देख पा रहे हैं कि आदिवासियों में वो जागरण किसने फैलाया था, वो लाल झंडे की ताकतों ने फैलाया था। वो एक तरफ किशोर धमाले की ताकत थी, एक तरफ अशोक धावले जी के नेतृत्व में नासिक मार्च हो रहा था। तो यही छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, इसलिए बीजेपी वहाँ लीड कर गई। तो किसान आंदोलन इस बार राष्ट्रीय स्तर पर पूरी धमक के साथ मौजूद था, और जिन जिन राज्यों में किसान आंदोलन की मजबूत उपस्थिति थी वहाँ पर चुनाव परिणाम साफ तौर से बदलता हुआ दिखा है। जी राजाराम, जैसे आप अपनी बातचीत में आप कह रहे थे ना, छोटे रेड़ी पटरी वालों की संघर्ष है और कोरोना के बाद से मार हुई, मैं कहीं ये पढ़ रहा था, वो कितना सच है मुझे उसकी जानकारी नहीं है। जो आपकी राजनीतिक शुरुआत भी वहीं से हुई, चूँकि आप चाय की दुकान चलाते थे और जहाँ पुलिस वाले ने आपको प्रताड़ित करना शुरू किया वहाँ से आप अपने संघर्ष को लेते हुए और वहाँ से आपकी राजनीतिक शुरुआत हुई। जो आपने उस संघर्ष की शुरुआत वहाँ से करी, अब जब आप पार्लियामेंट पहुँचे हैं, उस बीच में आप कई आंदोलनों का हिस्सा रहे बिहार के अंदर, तो मैं समझ रहा था वो आंदोलन की राजनीति आपको कितना प्रेरित करेगी और संसद में आपसे एक सांसद के तौर पर क्या उम्मीद की जाए। देखिए, पिछले 46 वर्षों से 12 महीना 24 घंटा हम लोग इसी काम में लगे रहे कि जो भूमिहीन गरीब किसान हैं गाँव के, जो शहरी गरीब हैं, चाहे वो फुटपाथी दुकानदार हों, रिक्शा टमटम टेम्पू ठेला चलाने वाले लोग हों, सफाई कर्मी हों, चाहे वो माने मध्यम किसान हो, बड़े व्यापारी हों, सबकी मांगों को लेकर के हम लोगों ने लड़ा। तो वो हमारे माने कहा जाए कि रग रग में रचा बसा चीज़ है आंदोलन संघर्ष। पिछले 2 बार से हम तरारी विधानसभा का भी प्रतिनिधित्व किए, पुस्तकालय समिति का चेयरमैन बनाया गया एक बार, और दूसरी बार जब मैंने महागठबंधन की सरकार बनी तो कृषि उद्योग विकास समिति का चेयरमैन बनाया गया। तो जो जिम्मेवारी मिली हमने उसको बेहतर ढंग से निभाने का प्रयास किया। 10 मार्च 2022 को बिहार विधानसभा के 100 वर्षों के इतिहास में हमने सार्वजनिक पुस्तकालयों की दशा को सुधारने के लिए, उन्हें मजबूत और विस्तारित करने के लिए पहला प्रतिवेदन पेश किया 10 मार्च 2022 को, और कृषि विकास उद्योग विकास समिति के चेयरमैन बने तो 19 फरवरी को इसी साल हमने माने प्रतिवेदन तीसरा प्रतिवेदन पेश किया। बटाईदार किसान जो आज सबसे ज़्यादा देश में खेती कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो बिहार में 80% खेती बटाई पर हो रही है, लेकिन केंद्र राज्य सरकारों का जो कृषि बजट है 1000 करोड़ का, उसका लाभ हम तक नहीं मिलता, इसलिए कि किसान के रूप में उनकी पहचान नहीं है। तो हम तो बाहर भी लड़ रहे थे, विधानसभा के अंदर भी हम लोग ध्यानाकर्षण के माध्यम से प्रस्ताव लाए थे, और जब चेयरमैन बनाया गया तो हमने अपना तीसरा प्रतिवेदन पेश किया कि बटाईदार किसानों का रजिस्ट्रेशन हो, उनको पहचान पत्र दिया जाए जॉब कार्ड की तर्ज पर, ताकि उन्हें भी डीजल सब्सिडी का लाभ मिले, उनका भी धान गेहूँ सरकारी रेट पर खरीदा जाए, उन्हें भी कृषि यंत्रों का लाभ मिले, उनका भी बैंक में KCC खुले, तो शायद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा में। तो वही चीज़ जारी रहेगा लोकसभा में, चीज़ें निरंतरता में रहेंगी लोकसभा के अंदर भी और बाहर भी। हम बिहार के पहले विधायक थे जो 2020 में चुनाव 15 में पहली बार जीते तरारी से, और कॉमरेड राम नरेश राम आजीवन वहाँ के विधायक रहे, हमारे जो गरीबों के माने भोजपुर के गरीबों के महानायक बिहार के। तो हमने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया दूसरे चुनाव में जाने के पहले, बिहार में ये शायद पहली बार हुआ था कि हमने बिहार विधानसभा के अंदर लोकहित के कौन कौन से सवाल उठाए,
बटाईदारों को लेकर, दुकानदारों को लेकर, छात्र युवाओं को लेकर, भूमिहीनों को लेकर के, और उन सवालों पर बाहर में जो आंदोलन हुए उसमें कहाँ कहाँ शामिल हुए। विधायक होने के बाद उन आंदोलनों से हमारी दूरी तो नहीं हो गई, हमने इसका जिक्र किया, जो राशि मिली उसे कहाँ, किस स्कूल में साइकिल सेट बनाया गया, शौचालय बनाया गया, किस गांव में पुस्तकालय बनाया गया, सामुदायिक भवन बनाया गया, ये लिखित रिपोर्ट हमने पूरी दुनिया के लिए जारी किया, मैंने नेट पर भी उसको डाला कि पूरा दुनिया देखे कैसा काम हम लोग कर रहे हैं। तो चीज़ें उसी धारावाहिकता में चलेंगी लोकसभा के अंदर भी, कि उम्मीद है जो पहले के आंदोलन का हिस्सा था वो कंटिन्यू विस्तार होगा उसका, हाँ विस्तार होगा। अब चूंकि ये बात हमारी माने देश में जाएगी, देश के विभिन्न राज्यों के किसानों का सवाल, छात्र युवाओं का सवाल, मजदूरों का सवाल, भूमिहीनों का सवाल, दुकानदारों का सवाल सब उठेगा, और सबसे बड़ी बात कि जो ग्रामीण गरीब हैं, शहरी गरीब हैं, उनका जीवन गरिमामय हो, इसके लिए जो भी संसाधन हैं उनको मुहैया कराया जाए, ये सवाल हम लोग मजबूती से उठाएंगे। जी राजाराम जी, जैसे मैं फिर उसी सवाल पर आता, बिहार के खास तौर पे भूमिहीन का जो सवाल है, खासकर महादलित तो बड़े तबके जिस तरीके से भूमिहीन है, और उन्होंने पट्टे का सवाल होता है बार बार, जो उनको पर्चा अदा मिल गया है, मालिकाना हक नहीं मिला है, इस तरह के सवाल चूँकि बहुत छोटे किसान हैं वहाँ, उनके सवालों को आप लोकसभा में किस तरीके से उठाएंगे और क्या रणनीति आप लोगों को उसको लेके है, चूँकि उसका बड़ा आंदोलन आप लोग लड़ते रहे हैं, तो वो क्या एक तो समस्या है, उसका हल आप लोग क्या देखते हैं? किसान आंदोलन के भीतर भी जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन चला 13 महीने का, उसमें भी हम लोग मुख्यतः बटाईदार छोटे मंझोले किसानों के ही प्रतिनिधि रहे हैं, आदिवासी दलित गरीब जो आज बटाई पर लेकर के खेती कर रहे हैं, क्योंकि देश की खेती का 80-90% करीब करीब उन्हीं के कंधों पर है, देश की खेती घाटे में है और घाटे की खेती का बोझ उन्होंने ही उठा रखा है, और इसके लिए वो सैल्यूट के पात्र हैं। तो उनके मुद्दे हम लोग उठाते रहते हैं आंदोलनों में, अब जब पार्लियामेंट में गए हैं तो उन्हीं आंदोलनों का विस्तार है पार्लियामेंट में जाना, देश के संघर्षों की आंदोलनों की आवाज़ के बतौर हम लोग हैं, और अभी भी बाहर से भी जो शुभकामनाएँ आ रही हैं। इस बीच भाकपा माले 2 सीटों के साथ उपस्थित हुई है, और देश भर में तमाम प्रगतिशील वामपंथी ताकतों की निगाह भाकपा माले के इस विकास पर है, तो हम तो कोशिश करेंगे कि उनकी उम्मीदों को आगे बढ़ाएं, उनको जगह दें, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करें। जी इस और राजाराम जी, आपसे ये दूसरा सवाल इसमें, कि राजनीति जिस तरह से महंगी होती जा रही है, खाली चुनावी राजनीति जिस तरह से महंगी होती जा रही है, और आपके सामने तो एकदम से कहा जाए तो धन पशु की तरह एक बड़ा स्टार और एक कई बार का मंत्री, दोनों थे, उसमें वाम राजनीति को जो वाम राजनीति समझते हैं, जिस तरह से लड़ा जाता है, जिस तरह संसाधन उनके पास है, आपके लिए किस तरह की चुनौती थी और आपने उसको किस तरीके से चुनाव लड़ा? देखिए, मैं फिर एक बार काराकाट की जनता को, वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं को नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, कि जो डेमोक्रेसी में कहते हैं फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, तो इस बार वहाँ का चुनाव इसी ढंग का हुआ। लोगों ने अपने खर्च किए, अपनी गाड़ियाँ लगा दी, पैदल से लेकर के मोटरसाइकिल से लेकर के चार चक्का वाहन से लेकर के साथ हो जाते थे। मैं 2 गाड़ी से निकलता था ऑफिस से, और रास्ते में 10-15 गाड़ियाँ हो जाती थीं। हमारे चुनाव में मैं समझता हूँ कि अगर केंद्रीय तौर से और विकेंद्रित तौर से विधानसभाओं में जो खर्चे हुए उन सब का आकलन किया जाए तो मतलब 60-70 लाख के करीब खर्च हुए हैं, और पार्लियामेंट्री इलेक्शन में यह बहुत छोटी राशि है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जनता अगर उतर गई, मोदी जी ने कांग्रेस का खाता सील किया, लेकिन हमारा खाता सील करने की ताकत उनमें नहीं थी, क्योंकि हमारे पास तो 20 रुपये का कूपन था और वो गांव-गांव में कट रहा था, घर-घर में कट रहा था, तो इस खाते को सील करने की ताकत किसी सरकार में नहीं है। ये सुदामा जी, क्योंकि आपके बारे में तो छपा भी, और मुझे तो बड़ा अजीब लगा जो लोग पहली बार चर्चा कर रहे हैं जो कूपन कैसे बांट के सांसद जीता गया, लेकिन जो वाम आंदोलन को समझता होगा, जो लेफ्ट को समझता होगा, वो जानता है किस तरीके से वो उसी तरीके से चंदा लेकर राजनीति
करते रहे हैं और आपने भी एक तरीके का केंद्रीय मंत्री, सबसे मजबूत केंद्रीय मंत्री मान जाते थे आर के सिंह, जो मंत्रिमंडल में भी किसी की नहीं सुन रहे हैं एक तरीके के, उस तरीके की अपूर्व नौकर सा रहे हैं वो, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और आपके इलाके में और बहुत गरीब तबका रहता है जिससे आपको जो 300 रुपये दिहाड़ी कर रहा है उसने भी आपको 100 रुपये का चंदा दिया, तो ये आपके लिए कितना आसान या कितनी कमजोरी आपके लिए चुनावी राजनीति में होती है, आपकी ताकत है? ये चुनाव वही लोग लड़ रहे थे, विधानसभा भी चुनाव वो लोग लड़े, जब भी पार्टी चुनाव हमारी लड़ी वही लोग लड़ते हैं। जब पहली बार मैं जीत कर आया विधानसभा के अंदर तो लॉबी में बैठे थे, एक विधायक मित्र ने कहा कि अब थोड़ा हैसियत का ख्याल रखिए आप अपनी। हमने क्या हो गया भाई हैसियत को, तो आप अभी भी मैंने फुटपाथी दुकानदारों से, बूट पॉलिश करने वालों से, रिक्शा चलाने वालों से हाथ मिलाते रहते हैं, क्या विधायक हो गए हैं? पहले मिलाते थे ठीक था, अब इसको बंद कीजिए। हम बोले कि भाई वही लोग हमारी हैसियत बढ़ाए हैं। सुदामा प्रसाद का हैसियत जो है वही जो है फुटपाथी दुकानदार, बूट पॉलिश करने वाले लोग, रिक्शा चलाने वाले लोग, खेतों में मजदूरी करने वाले लोग बढ़ाए हैं। आप अपनी हैसियत का ख्याल रखिए, हमारी हैसियत जहाँ है वहीं रहेगी और हम विधायक रहें या नहीं रहें, लेकिन उन लोगों से हाथ मिलाना बंद नहीं करेंगे। और हमने इसको जारी रखा और ये हमारी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत, कि कोई 300 रुपया रोज़ कमाने वाला मजदूर साथी, एक महिला साथी जो है वो 100 रुपया कि नहीं लोकसभा में भेजना है, तो मैं समझता हूँ कि उस 100 रुपये का मुकाबला किसी का 100 करोड़ भी नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। और वहाँ की जनता ने साबित किया कि जो लोग रुपये के पहाड़ पर बैठे हैं उनको पतई के ढेर पर बैठे भूमिहीन गरीब किसानों ने नीचे ले आकर के पटक दिया, इस चुनाव ने साबित किया। हमको तो लगता है कि 35-40 लाख रुपया हम लोग अभी चुनाव का हिसाब सब लिखा जा रहा है खर्चा हुआ होगा। आम जन ही चुनाव, मैंने जैसा कि कॉमरेड ने बताया कि वो अपने घर से खाना खाकर आते हैं, अपने घर से जो है वो गाड़ी करके आते हैं चंदा करके, लेकिन अब रैलियों में दिखाना है कि भाई ये इतने लोग आए हैं, तो जो कुर्सी पर बैठे हैं हर कुर्सी का 5 रुपया लगेगा, जोड़ के दीजिए चुनाव। हो सकता है कि किसी टेंट वाले साथी ने दिया कि नहीं भाई हम पैसा नहीं लेंगे, या जो लोग खर्चा खा करके आए लेकिन दिखाना है कि दो दो को सिंघाड़ा आपने उनको खिलाया, तो उसमें कम से कम 15-20 रुपया दिखाना है प्रति व्यक्ति, लेकिन वो सब लोग घर से खाना खा के आए हैं, या फिर अपनी गाड़ी ट्रैक्टर करके आए हैं लेकिन वो चुनाव खर्च में दिखाना है। तो ये खर्चा इसी तरह से हुआ है, ये नहीं कि इसे 35-40 लाख रुपया रखा हुआ है उसमें से खर्चा किया गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो ताकत है इस ताकत को कोई माने हरा नहीं सकता है। ये ज़रूर है कि जिले माने देश के सीमित जिलों में या सीमित राज्यों में ये ताकत मौजूद है, लेकिन असंगठित है, बिखरी है। हम लोग उन ताकतों को गोलबंद करेंगे और ये ताकत ऐसी ताकत है कि चाहे तो फैट से मार करके हिमालय पहाड़ को गिरा दे, इतनी ताकत है। तो मुझे लगता है कि जो हम लोगों का व्यवहार है, जो आचरण है, जो हम लोगों का संघर्ष है, जो लोगों के सुख दुख में शामिल होने का माने ये है, माने उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लोग जिता कर भेजते हैं आपको और आप जो है माने किसी के साथ बात नहीं कीजिएगा, आप किसी का छुआ हुआ पानी नहीं पीजिएगा, है किसी आम आदमी का छुआ हुआ माला नहीं पहनिएगा, उनके दुख दर्द का दरख्वास्त आप नहीं लीजिएगा, तो फिर क्यों सिर्फ चुनाव के टाइम जाइएगा? तो मैं समझता हूँ कि इस बार की लड़ाई अहंकार और सदाचार और व्यवहार के बीच भी हुई, समझते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप जो हमारे लिए भी ये शिक्षा है कि अगर हमने चुनाव जीतने के बाद मैंने वोटरों को, जनता को, जो गरीब गुरबे हैं जिनकी हम राजनीति करते हैं, अगर उन लोगों की उपेक्षा की, उन लोगों की अनदेखी की, तो समझिए कि वो लोग हमको भी पटक देंगे ले आकर के जमीन पर। ये हमारे लिए भी शिक्षा है और मैं इस शिक्षा से बहुत ज़्यादा कहा जाए कि मैंने डरता हूँ कहीं मुझसे कहीं ऐसा कुछ ना हो। जैसे हम लोग हैं सुबह से फ़ोन आने लगता है तो फ़ोन भी उठाते हैं, बातचीत भी करते हैं, कुछ हैं नौजवान वो भी उठाते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि किसी का फ़ोन हम लोगों ने मिस किया। अभी मान लें कि लोकसभा में जैमर लगा हुआ है, बातचीत नहीं हो सकती है, बात करना भी नहीं है, लेकिन बाहर आकर कई लोगों से हम लोगों ने बातचीत किया। तो लोग यही चाहते हैं, जनप्रतिनिधियों से ये कोई नहीं चाहता है कि सबका आप सोना का महल बना दीजिए, हीरा मोती का सड़क बना दीजिए, कोई नहीं चाहता, लेकिन ये ज़रूर चाहता है कि
जिनको वोट दिए हैं वो अगर किसी आफत विपत में फंसे हैं तो आप उनकी सुध लीजिए। अभी 16 तारीख की घटना है, गंगा दशहरा था, शाहपुर प्रखंड में एक गांव है आपको सीपुर घाट है, जहां 1857 में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, बांह अपना काट करके गंगा नदी के हवाले किया था, तो उस घाट पर 4 बच्चे डूब करके मर गए, चारों दोस्त थे। माने कोई इंतजाम नहीं, कोई ये नहीं, हजारों करोड़ नमामि गंगे पर खर्चा हो गया, लेकिन ऐसे मौक़ों पर तो खास इंतजाम होना चाहिए पुलिस का, जहाँ 5,000-10,000 लोग डूब टूट रहे हैं। जैसे हमको 9:30 बजे खबर मिली और हम 10:30 बजे वहाँ उपस्थित हो गए, लोगों ने कहा कि अब कल सुबह ही लाश निकलेगी, और कि आप जाइए, घंटा रहे हम आए, फिर सुबह लोगों ने फ़ोन किया कि डेड बॉडी मिल गई है। फिर हम पोस्टमार्टम रूम पहुँचे, दौड़े दौड़े उन चारों नौजवानों का मैंने पोस्टमार्टम करवा करके भिजवाया गया, चार लोगों को 4-4 लाख रुपया हम लोग DM से बातचीत करके दिलाए। तो जनप्रतिनिधि की ये भूमिका होती है, ये नहीं होता है कि चुनाव में आए जीते और यहाँ जो है मंत्री बन गए और इसके बाद फिर चुनाव आएगा तो जाएंगे। विकास पुरुष का जो इनका मैंने ढोल था वो फट गया है, क्या विकास आई क्या? हमने कहा कि आप रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए 10 वर्षों के कामकाज का, तो उन्होंने कहा, पत्रकारों ने पूछा तो, कि वो कौन है रिपोर्ट कार्ड मांगे वाला। मैंने बताइए, अब इतना तो संवेदनशील होना चाहिए जनप्रतिनिधि को, जब आप एक विधायक के साथ, माननीय विधायक के साथ आपका ये व्यवहार है, रुख है, तो आप जनता, आम जनता को क्या समझते हैं? तो उसका जवाब दिया है जनता ने। आपसे इसी जगह शुरू करना चाहते, जैसे जो लोग नहीं जानते हैं भाकपा माले पार्लियामेंट में, क्योंकि पहले अब आई तो वो पार्टी के नाम से लोग संसद चुन के नहीं आए, हालांकि जो लोग पूर्वांचल और इधर जानते हैं, जो आंदोलन जुड़े वो लोग समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते, उसके लिए आप क्या बता देंगे भाकपा माले क्या है और किस ताकत के साथ वो पार्लियामेंट में रहेगी? देखिए, वामपंथ के भीतर लगातार देश में बदलाव के लिए, बेहतर समाज के निर्माण के लिए, समाजवादी समाज के निर्माण के लिए राजनीतिक वैचारिक बहसें, कार्यनीतिक बहसें चलती रहती हैं। इसी में CPI से अलग होकर के CPM बनी थी, और CPM के भीतर भी नक्सलबाड़ी की घटना के बाद बहसें तीखी हुई और उससे CPIML 67 में अलग हुई, और CPIML का पहला नेतृत्व चारू मजुमदार महासचिव थे, उनके नेतृत्व में हुआ, और तब से लगातार CPIML ने भारतीय राजनीति के कुछ बुनियादी प्रश्नों पर अपनी स्वतंत्र राय रखी है और बदलाव के लिए एक बराबर, एक क्रांतिकारी, एक प्रगतिशील रास्ता पेश किया है दुनिया के सामने। और आज जब लोकतंत्र पर खतरे बढ़े हैं तो भाकपा माले की इस परिवर्तनकारी सोच को व्यापक समाज स्वीकृति दे रहा है। इस बार पार्लियामेंट में उसके सदस्यों का चुन के आना, पिछले दिनों विधानसभा में, बिहार विधानसभा में 12-12 सदस्यों का होना, और इंडिया गठबंधन में भाकपा माले को जगह मिलना, ये सब इसी बात के संकेत हैं। यह सही है कि हम संकीर्ण नहीं हैं, हमने देश में जितनी भी कांग्रेस, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट ताकतें थीं, सबके साथ एकता बनाई, हमने देश में बढ़ते हुए फासिज्म को अपने पार्टी कांग्रेस मानसा में जो हुई थी उसमें चिन्हित किया, और उसके खिलाफ, उस ट्रेंड के खिलाफ हम लगातार मुखर होते चले गए, और इसलिए देश में जो भी लोकतंत्र पसंद ताकतें हैं उनकी आज एक नंबर की लाइकिंग भाकपा माले बनी हुई है, और हम बिल्कुल उनके साथ एक एकता बनाना चाहते हैं, मोर्चा बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान की तमाम ताकतों को हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि फासिज्म के खिलाफ़, सांप्रदायिकता के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, गरीबों के हक में, किसानों, मजदूरों, नौजवानों के हक में भाकपा माले मुखर ढंग से बोलती रहेगी, उसकी आवाज़ को कोई रौंद नहीं सकता है, चाहे इसकी कितनी भी कीमत भाकपा माले को चुकानी पड़े। जी सुदामा जी, आपसे, क्योंकि अगर हम बिहार पूर्वांचल की बात करें, देश की बात करें, तो बहुत सारी धाराएं हैं जो सामाजिक न्याय, मजदूर किसान की आवाज़ उठाने का दावा करती है और उठाती भी है अलग अलग तरीक़ों से, तो आपने भाकपा माले को ही अपने जन आंदोलन का हिस्सा बनाना क्यों चुना? क्या आपको लगा जो मुझे साथ ही जाना चाहिए और लगातार आप उसके साथ बने हुए? कभी देखा नहीं हमने कि अगल बगल में क्या हो रहा है, कभी नहीं देखा क्या बदलाव हो रहे हैं। हम समझ रहे थे कि वही माले ही है जो, माने जो ग्रामीण गरीब हैं, जो सामंती अत्याचार के शिकार थे, शोषण के, एकवारी गांव जहां से कॉमरेड राम नरेश राम ने 1972 में लड़ाई शुरू की, राम ईश्वर यादव, मास्टर जगदीश, गांव में गरीबों को, भूमिहीनों को, दलितों को, पिछड़ों को
दादा बाबूलों के सामने खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था, दिन भर खेतों में खटने के बाद इज्जत से मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं था, उनकी माँ बहू की इज्जत लूटी जाती थी। हम लोग तो आँख से देख रहे थे, हमारे भी गाँव में था, तो कहीं दूसरी जगह देखने का सवाल कहाँ पैदा होता है। जो पार्टी इस लड़ाई को लड़ रही है, गरीबों को मुक्त कराने की लड़ाई, गरीबों को समाज में शान के साथ सर उठाकर चलने का जो पार्टी अधिकार दे रही है, वो पार्टी ऐसे ही नहीं है। और वो पार्टी हमारे दिल दिमाग में रच बस गई और कभी हमने नहीं देखा। कई केस हुए आंदोलन में, कई केस हुए, जो भी बड़े आंदोलन, एकवारी की लड़ाई, बिहटा की लड़ाई, बेलाउर की लड़ाई, सभी में फंसाया गया, ग्रेनेड चला हमको मारने के लिए, जेल में भी लाठी से पिटाई हुई सेल में रख करके, फिर आपको गोली चली, लेकिन हम लोगों ने कहीं नहीं इधर उधर देखा कि इधर चले जाएं बच जाएंगे, उधर चले जाएं बच जाएंगे, खुद की हमने परवाह ही नहीं किया कि जब इतने सारे लोगों का जीवन दांव पर लगा हुआ हो, हजारों लोगों का जीवन दांव पर लगा हो, उस स्थिति में खुद के बचाव के बारे में सोचना आंदोलन के साथ लड़ाई के साथ गद्दारी होगी, और हमने कभी नहीं देखा इधर उधर। और इसीलिए हम कहे कि 1978 से 77 से जुड़ाव है, 1989 में पार्टी का फॉर्म भरे, 82 में मेंबरशिप मिला, रेगुलर उस समय हम लोग इसी धारा में हैं, करीब 5 साल जेल में भी रहे इस दरमियान, सब केस उस खत्म हो गए, रोड जाम का केस, रेल जाम का केस है, तो भाई जी बिल्कुल अंत में आपसे इसके बाद एक सवाल उसके बाद खत्म करते हैं। तो जो सर माले की राजनीति जो थी, वो उसका बहुत लोग मानना था जो चुनावी राजनीति से बहुत फायदा है, सड़क की राजनीति बहुत जरूरी है, लेकिन पिछले दिनों हम देखा खासतौर पर बिहार में इस तरह गठबंधन का हिस्सा रहे और आप लोग, आपके MLA की संख्या लगातार बढ़ी है, फिर आप इस बार गठबंधन के तहत ही लोकसभा तक पहुंच गए हैं, क्या इसको इस नज़र से देखा नहीं जाना चाहिए कि संसदीय राजनीति में सत्ता के करीब जाने के लिए आपने भी समझौता किया और उन दलों के साथ राजनीतिक गठजोड़ किया है जिसके खिलाफ आपकी अदावत बहुत लंबे समय तक रहा है, उसके खासकर बिहार में मैं RGD की बात करूँ, जिसके खिलाफ आपकी बहुत लंबी संघर्ष रहा है और आज उसी के साथ मिलकर आप लोग कई बार सत्ता में सीधे तो नहीं रहे लेकिन चुनावी राजनीति में उनके साथ चुनाव लड़े हैं, पहले 2-3 चुनाव, इसको कैसे समझें? देखिए, डेमोक्रेसी की सेंसिटिविटी पिछले दिनों घटती चली गई है और भाजपा के दौर में आते आते वो चरम पर पहुंच गई है और हर चीज़, अपराध, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, सब कुछ भाजपा के राज में संस्थाबद्ध हो गया है। आज देश की नंबर एक पार्टी इन तमाम क्षेत्रों में BJP बनी हुई है। देश के जितने इस किस्म के लोग हैं उन्होंने भाजपा में अपना शरण खोज लिया है। तो इसीलिए अब जो बाकी पार्टियां थीं, ये बहुत खूबसूरत बात है कि कंपनी राज, एक अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को कहें तो उस समय जो ताकतें एकताबद्ध थीं कांग्रेस के नेतृत्व में, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, फिर से उन ताकतों की एकता नए सिरे से बनी है और CPIML ने मतलब लगातार एक परिवर्तन की बात की है और जब जब देश पर तानाशाही, फासिज्म, या गांव में भी जो सुदामा जी भी बता रहे थे कि बोलने का अधिकार नहीं, वोट देने का अधिकार नहीं, खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं, तो यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो आज़ादी का प्रश्न है। जो नेशनल लेवल पर भी वो बात बदली नहीं है, आज जब उसको राष्ट्रीय स्तर पर कलाकार पुरस्कार लौटा रहे हैं, साहित्यकार लौटा रहे हैं, कलम पर पाबंदी हो गई, बोलने पर पाबंदी हो गई, फेसबुक में लिखने पर पाबंदी हो, व्हाट इज इट? तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आज उसका फलक बड़ा हो गया है और भाकपा माले उस लड़ाई को लड़ रही है, वो वामपंथ को भी आवाज़ दे रही है, उसको भी संगठित कर रही है और इन जनरल तमाम सोशलिस्टों को, कांग्रेसी जमात को उसके साथ मिल करके कंधे से कंधा वह आगे की ओर बढ़ रही है। इसलिए उसकी सोच में, उसकी दिशा में कोई बदलाव नहीं है, बल्कि वो उसका विस्तार और विकास है। ये रणनीति का एक हिस्सा है, ये विकास है जी। और हम लोग डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को और ज़्यादा सेंसिटिव, जिम्मेवार बनाएंगे। हाँ, लोकतंत्र CPIML के एजेंडे पर एक नंबर का एजेंडा है कि सबकी आज़ादी, सबकी बराबरी, समानता, समाजवाद, इसके लिए ज़रूरी है कि लोकतंत्र संवेदनशील रहे और जिम्मेवार बने। इसी नोट पर हम अपनी बातचीत
ख़त्म करते हैं, जिस तरह से इन्होंने कहा जो इनकी ये रहेगी भूमिका जो लोकतंत्र में जिम्मेदार तय हो और लोगों के हक़ की आवाज़ बुलंद होती रहनी चाहिए। हमें भी उम्मीद करनी चाहिए जिस तरीके से सड़क पर लगातार आंदोलन करते पहुँचे हैं, जितनी बुलंद आवाज़ इनकी सड़कों पर थी उतनी बुलंद आवाज़ पार्लियामेंट में उन्हीं तबकों के लिए उठती रहेगी। इसी की उम्मीद में हम इनसे आज बातचीत ख़त्म करते हैं। अभी के लिए बस नहीं सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।